तो इधर सरकार फ्रंट फुट पे है लेकिन किसान भी अड़े हुए हैं। तीनों कानून रद्द करने से कम पर वो मानने को तैयार नहीं है। तो किसान सरकार अपनी बात पे अड़ी है, हमने कानून रद्द नहीं करना, ये आपके फायदे के लिए। जब हमें फायदा ही नहीं चाहिए तो हम तो एक ही बात बोलते हैं कि सरकार को कि हमें फायदा नहीं चाहिए, हमें आपके कानून से कोई मतलब नहीं है, तो आप क्यों हमें ये सड़कों पर इतनी सर्दी में किसान भाइयों को बिठा रहे हो, तो आप कानून रद्द कर दो। अपने काले कानून ये हाडे किसानों वास्ते बनाए गए ने, हुण जदों किसान नूं इह कानून पसंद ही नहीं, इन्हें साडे बनाए फायदे वास्ते, हुण इह सानूं नहीं पसंद, इह अपने आप वापस कर लवे, रद्द कर लवे। सानूं इह काले कानून चाहिए नहीं, असीं अपनी किसानी आप कर सकदे आं। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਫੌਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਨਕੋ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। पूरी सर्दी में हमारे भाई बहन बच्चे रोडों पर बैठे हैं, उनका भी दर्द समझना चाहिए उस सरकार को। और जो सरकार बोल रही है अभी काले कानून नहीं रद्द करेंगे, उसमें शोध करेंगे, हमको शोध नहीं चाहिए। हम सारे किसान यूनियन की ओर से कानून रद्द ही करा के छोड़ेंगे, और रद्द करे बगैर हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की अब आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि वहां से एक जत्था आ रहा था दिल्ली किसानों का, और उस बीच उनकी और पुलिस के बीच में झड़प हो गई। ये देखिए तस्वीरें। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का 31वां दिन है। एक तरफ सिंगू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, दूसरी तरफ अभी भी कई इलाकों से जत्था जो है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। और दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मिलन शर्मा हमारे साथ है सिंगू बॉर्डर से, और राम किंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजीपुर बॉर्डर से। सबसे पहले मिलन आपसे जानना चाहेंगे, जिस इलाके में आप हैं वहां पर लंबे समय से जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो डटे हुए हैं, कल सरकार की तरफ से पुरजोर कोशिश की गई सरकार की तरफ से ये बताने की किसानों को कि जो कानून आया है, जो कृषि बिल आया है, वो सिर्फ और सिर्फ किसान के हित में है, उसके बाद आज क्या रिएक्शन है? क्योंकि कल भी मंथन हुआ होगा, आज भी होगा। जी बिल्कुल, कल भी मंथन हुआ था प्रधानमंत्री की स्पीच सुनने के बाद, और आज भी मंथन होगा। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनके जो 40 यूनियन के लोग हैं वो एक साथ आज सिंगू बॉर्डर पर बैठेंगे। इसमें गाजियाबाद बॉर्डर के और सिंगू बॉर्डर के लोग भी होंगे, टीकरी बॉर्डर के भी जो किसान नेता धरने पर बैठे हैं वो भी होंगे। 2 बजे के करीब ये मीटिंग होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री की दी हुई स्पीच पर पॉइंट बाय पॉइंट बिंदुओं पर रिबटल देने की यहाँ पर प्रतिक्रिया रहेगी। सब एक साथ मिलकर बात करेंगे, और उनका यही कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पे मैं आपको दिखा दूं, आज एक महीना पूरा हो चुका है जब से किसान दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे थे, और एक महीने बाद भी श्वेता आप देख रहे हैं कि यहीं पर लाठी खाने के बाद और आंसू गैस के गोले खाने के बाद भी किसान डटे हुए हैं। अब तो उनके परिवार भी यहाँ पर जुड़ने लग गए हैं। तो ये एक और अहम बैठक, एक तरफ किसान यूनियंस की और दूसरी तरफ किसानों का जत्था यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ता हुआ, और देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो बैठने की मांग कर रहे हैं, यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कानून, ये तीनों कानून सरकार रद्द नहीं करती। बिल्कुल, काफी अहम दिन है कई मायनों में। आज गाजीपुर बॉर्डर चलते हैं, जहां पर राम किंकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम किंकर आपसे समझना चाहेंगे, वहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर बताया जा रहा है कि आज लगभग 12,000 किसान वहां पर पहुंचने वाले हैं, और यानी कि किसानों की तादाद और बढ़ेगी। क्या सरकार को और कहीं ना कहीं और प्रेशराइज करने की कोशिश? श्वेता, जब सुबह के वक्त यहां पर मैं आया तो सबसे पहले मैंने पूरा चक्कर लगाया, मैंने देखा जगह जगह जो टेंट हैं, यानी जहां पर किसान ठहरते हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, ट्रैक्टर ट्रॉलीज की संख्या बढ़ गई है, जगह जगह जो है हाथ सेंकने के लिए जो तमाम इंतजाम होते हैं वो बढ़ गए हैं। किसानों की संख्या बेतरतीब बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है, और सिर्फ यही नहीं, श्रावस्ती जिले से भी और तमाम अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं। इनका गुस्सा इस बात से भी जाहिर होता है कि जब मैंने तमाम जो पोस्टर्स देखे तो एक बड़ा अंतर मुझे दिखा, वहां पर किसान आंदोलन की जगह अब लिखा हुआ था किसान महा आंदोलन, यानी अब इसे महा आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि साफ तौर पर
ये 26 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं कि 26 जनवरी के आसपास ही ये डिसाइड होगा। तो साफ तौर पर जो किसान है वो बिल्कुल मानने के मूड में नहीं है। इनका रिएक्शन पहले से ही आ चुका है और वो रिएक्शन ये है कि जब तक कानून खत्म नहीं होता है तब तक वो इसी तरह से यहाँ पर इकट्ठा रहेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। दूसरी तरफ सरकार अपने तरीके से कह रही है। सरकार का ये कहना है कि आंदोलन पहले MSP की गारंटी चाहता था, वो गारंटी दे दी गई, लेकिन अब अलग अलग जो मांगे की जा रही हैं उससे ऐसा लगता है कि विपक्ष के जरिए ये प्रायोजित किया गया है। इन सब के बीच आपको बता दें कि भारतीय किसान आंदोलन ने कहा है कि 27 दिसंबर तक ये जो टोल का फ्री करवाने का इशू था वो आगे भी जारी रहेगा अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई। लेकिन जैसा सिंघू बॉर्डर पर आज 2 बजे की काफी अहम मीटिंग है, इस मीटिंग में साफ डिसाइड होगा कि आगे का स्टैंड क्या है, क्योंकि महीने भर का वक्त हो गया है। नतीजा जस का तस है, वही ढाक के 3 पात, कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा। ऐसे में क्या कुछ नई रणनीति अडॉप्ट की जाएगी जिससे कि सरकार तक अपनी बातें पहुंचाई जाएं। और सरकार का वही स्टैंड है, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप जायज मांगों के साथ आइए बैठिए और उसके बाद कुछ रास्ता निकले। लेकिन सवाल यही है कि गतिरोध टूटने का जो पड़ाव है, वो जो कदम है, वो पहले कौन उठाएगा? क्या किसानों की तरफ से ये कदम उठाया जाएगा या फिर जो सरकार है उनकी तरफ से कुछ ऐसे बीच का रास्ता निकलेगा? तो अभी स्थिति जस की तस है, लेकिन शीतलहर है, प्रदूषण है दिल्ली में, और साथ ही साथ जो वक्त के साथ परिस्थितियां हैं वो विषम होती जा रही हैं। ऐसे में लग रहा था महीने भर के बाद जो किसान है वो कम होते दिखेंगे, लेकिन उल्टा हो रहा है। कम से कम गाजीपुर बॉर्डर पर यही स्थिति है, किसानों की संख्या वक्त के साथ बढ़ती जा रही है, उनमें और दुगना जोश है और वो कह रहे हैं जब तक हम नहीं हटेंगे जब तक हमारी बातें नहीं मानेंगे।